नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। इस बुलेटिन में आज बात होगी संसद में एनआरसी पर गृह मंत्रालय के जवाब की, पीएम मोदी और राहुल गांधी के आमने सामने की, जानेंगे कि पीएम का कौन सा सपना तोड़ेंगे उद्धव और कब बनेगा राम मंदिर ट्रस्ट, और आखिर में बात आयुष्मान भारत योजना की विफलता की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी में शामिल हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी के बेटे समीर द्विवेदी, जनार्दन बोले, मुझे बेटे के फैसले के बारे में कोई जानकारी नहीं। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार को सुनाई खरी खरी, कहा, अगर आप रचनात्मक मुद्दे लेकर आते तो हम आपके सामने सिर झुकाते, लेकिन आप अच्छा नहीं कर रहे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा, सरकार की मनमानी की वजह से परेशान हो रही है जनता, पीएम मोदी लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं। शिक्षा के प्रति सरकार का उदासीन रवैया उजागर, केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों के 6,688 पद हैं खाली, लाइब्रेरियन और क्लर्क समेत 12,323 कर्मचारियों की भी है कमी। जबरदस्त उछाल के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 917 अंकों की तेजी के साथ 40,789 पर बंद, निफ्टी 272 अंकों की तेजी के साथ 11,980 के पार पहुंचा। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब संसद से देश भर में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन लागू करने का दावा किया था, उस वक्त से सरकार जनता और विपक्ष की मुखालफत झेल रही है। लेकिन अब लगता है कि सरकार जनता के बुलंद होते सुर को देखकर अपने कदम पीछे खींचने की तैयारी में है। जी हाँ, आज गृह मंत्रालय ने लोकसभा में लिखित बयान दिया जिसमें कहा गया कि अभी देश भर में एनआरसी लागू करने का फैसला नहीं लिया गया है। तो आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी। राजीव जी, विपक्ष की तरफ से लगातार नागरिकता के मुद्दे पर सवाल खड़ा किया जा रहा था और अब मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया जा रहा था, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने लिखित में कहा है कि फिलहाल देश में एनआरसी की जरूरत नहीं है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? प्रिया, हम देख ही रहे हैं कि देश भर में नागरिकता कानून का विरोध हो रहा है। जगह जगह महिलाएं जो हैं वो मोर्चा संभाली हुई हैं, शाहीन बाग इसमें सबसे आगे है और शांतिपूर्ण विरोध का एक मिसाल बन गया है। नागरिकता कानून के साथ ही एनआरसी को लेकर भी अमित शाह ने संसद में बयान दिया था, आपको याद होगा, और कहा था कि इसे हम देश भर में जल्द लागू करेंगे। लेकिन तेज होती मुखालफत की वजह से ही पीएम मोदी को रामलीला मैदान में जब उन्होंने भाषण दिया था तो उनको कहना पड़ा था कि हम इसे लागू नहीं करने जा रहे हैं। मगर चूंकि अमित शाह ने इस बारे में संसद में घोषणा की थी, इसीलिए उनकी बात को ज्यादा वजन के साथ देखा जा रहा था। अब संसद का बजट सत्र इस वक्त चल रहा है और जनता को हक है यह जानने का कि एनआरसी को लेकर के सरकार की मंशा क्या है। इसीलिए कुछ सांसदों ने सरकार का पक्ष जानना चाहा था, जिसके जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है कि अभी तक एनआरसी को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब अगर इस लिखित उत्तर पर गौर फरमाएं प्रिया, तो दो बातें सामने आती हैं। पहली बात ये कि सरकार कह रही है कि अभी तक हमने कोई निर्णय नहीं लिया है, जिसका अर्थ ये भी हो सकता है कि जैसा पहले अमित शाह कह चुके हैं कि आने वाले समय में हम इसे लेकर आएंगे, तो वो बात अभी भी मौजूद है, यानी कि आने वाले समय में अभी निर्णय नहीं लिया गया, आने वाले समय में लिया जा सकता है। और दूसरी बात यह है, यानी कि उस पर विचार कर सकती है, और दूसरी बात यह है कि शायद देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने फौरी तौर पर सरकार के पांव पीछे खींचने के लिए मजबूर कर दिए हैं। लेकिन जो भी हो, अभी तक जिस तरह के बयान नागरिकता कानून का विरोध करने वालों के लिए मोदी सरकार के नुमाइंदे दे रहे हैं, शाहीन बाग को लेकर जिस निचले स्तर की राजनीति सरकार कर रही है, उससे तो उसकी मंशा में खोट नजर आ रही है। अब आगे सरकार का रुख क्या रहता है, ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। और अब बात दिल्ली के प्रचार अभियान में आई तेजी की। दिल्ली में 70 सीटों पर मतदान की तारीख जितनी करीब आती जा रही है, चुनाव प्रचार का शोर उतना ही तेज होता जा रहा है। प्रचार के अंतिम चरण में सभी सियासी दलों ने अपने दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। आज जहां कांग्रेस के लिए राहुल गांधी मैदान में गरजे, तो वहीं बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में विरोधियों को आड़े हाथों लिया। तो आज कैसा रहा दिल्ली का माहौल, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में इस वक्त हर दल खुद को दूसरे दल से बेहतर बताकर मतदाताओं को लुभा रहा है, सत्ता में आने के लिए जनता को नए नए सपने दिखा रहा है ताकि अपनी जीत सुनिश्चित की जा सके। और इसी के मद्देनजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे दिन बीजेपी के प्रचार अभियान को धार देने पहुंचे। आज पीएम मोदी ने दिल्ली के द्वारका में रैली को संबोधित किया। इस दौरान जहां उन्होंने अपने काम का बखान किया, तो दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार को भी जमकर कोसा।
पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली की जनता को सुलझाने वाली सरकार चाहिए, उलझाने वाली नहीं। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली वासी वो सरकार चाहते हैं जो योजनाओं को लागू करे, न कि योजनाओं में बाधा बनकर विकास को रोक दे। उन्होंने दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक योजना पर बरसते हुए कहा कि दिल्ली में लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि राज्य सरकार ये होने नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 साल से गरीबों की भलाई और उनके विकास में रोड़े अटकाए हैं। दिल्ली में पीएम आवास योजना के आधार पर घर नहीं दिया गया। एक तरफ पीएम मोदी आम आदमी पार्टी पर बरस रहे थे तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने भी आज हुंकार भरी। राहुल ने यहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि काम दोनों पार्टियों में से किसी ने नहीं किया, सिर्फ मार्केटिंग की है। राहुल गांधी ने रोजगार का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी को खरी खोटी सुनाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस बयान पर भी राहुल ने कटाक्ष किया, जिसमें उन्होंने रोजगार के आंकड़ों पर बोलने से मना कर दिया था। राहुल ने कहा कि वित्त मंत्री ने लगभग 3 घंटे का बजट भाषण दिया, लेकिन रोजगार का जिक्र तक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सिर्फ उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है और देश को बर्बाद किया है, उन्हें गरीबों की कोई चिंता नहीं है। राहुल ने आज रैली के दौरान जमकर विरोधियों को घेरा, मगर राहुल के शब्द बाण आम आदमी पार्टी से ज्यादा बीजेपी पर ही चले। ऐसे में अब देखना है कि इन तल्ख तेवरों का फायदा किसे और कितना मिलेगा। यानी आज एक तरफ जहां राहुल गांधी पीएम मोदी को आईना दिखा रहे थे, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी केजरीवाल पर बरस कर बीजेपी की जमीन मजबूत कर रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। उसने भी आज जनता के लिए अपने वादों का पिटारा खोलते हुए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें केजरीवाल ने जनता के सामने जमकर वादे किए, साथ ही बीजेपी को चैलेंज भी कर दिया। दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए हर पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है। कांग्रेस 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर रही है, तो बीजेपी दूसरों के वादों को झूठा साबित कर दिल्ली में छात्रों को स्कूटी देने और बुलेट ट्रेन दौड़ाने का सपना दिखा रही है। इसी बीच सभी की नजरें टिकी थी सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र पर, जो आज आपने जारी कर दिया। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने आज अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया है। इस घोषणा पत्र में कहा गया है कि 24 घंटे मिलेगी बिजली और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जारी रहेगी, 24 घंटे साफ पानी देंगे, 20,000 लीटर मुफ्त पानी मिलता रहेगा, हर बच्चे को ग्रेजुएशन तक अच्छी शिक्षा की गारंटी, दिल्ली वासियों को मिलेगी सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा, छात्रों को भी मुफ्त यात्रा का होगा प्रावधान, महिला सुरक्षा सर्वोपरि और तैनात किए जाएंगे मोहल्ला मार्शल। दिल्ली मेट्रो को सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने का दावा किया गया। कच्ची कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की भी बात कही गई। 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करने का दावा किया गया और झुग्गी के लोगों को पक्के मकान की गारंटी दी गई। वहीं घोषणा पत्र जारी करने के दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस मैनिफेस्टो में सीएम अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के भविष्य का विजन शामिल है। सिसोदिया ने कहा कि आम लोगों के गरिमापूर्ण जीवन के लिए आम आदमी पार्टी संकल्पित है। उन्होंने कहा कि जनलोकपाल बिल को पास करवाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार संघर्ष जारी रखेगी। इसके अलावा पार्टी स्वराज बिल भी लेकर आएगी। वहीं जहां पार्टी एक तरफ अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही थी, तो वहीं उसी दौरान सीएम केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होने को लेकर बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने बीजेपी को अपना सीएम का चेहरा कल बुधवार तक घोषित करने की चुनौती दी है। केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी ऐसा करती है तो मैं किसी भी तरह की बहस के लिए तैयार हूं। ऐसे में बीजेपी अब इस चैलेंज का क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। अब जहां आज दिल्ली का सियासी माहौल पूरी तरह से गर्माया रहा, तो वहीं बिहार में भी चुनावी बिगुल बजने से पहले ही पारा चढ़ता जा रहा है। पोस्टर जारी कर एक दूसरे पर तंज कसने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसकी शुरुआत जेडीयू ने की, लेकिन अब जेडीयू की पोस्टर पॉलिटिक्स उस पर ही भारी पड़ रही है, क्योंकि आरजेडी रोज एक पोस्टर जारी कर नीतीश कुमार को घेर रही है और अब एक नए पोस्टर में नीतीश के साथ बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया गया है। क्यों करे विचार, ठीक ही तो है नीतीश कुमार, ये वो नारा है जो जेडीयू ने आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए दिया है। मगर जेडीयू के इस नारे को झूठा साबित करने में आरजेडी पूरी तरह से जुट गई है। वो एक के बाद एक पोस्टर जारी कर सत्ताधारी पार्टी की पोल खोल रही है। आज एक और पोस्टर जारी करते हुए आरजेडी ने नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को भी आड़े हाथों लिया है। पोस्टर में सरकार को घेरने के साथ ये संदेश दिया गया है कि कुर्सी के प्यारों ने बिहार को बर्बाद कर दिया है, बिहार लूट रहा है, और इसके साथ ही आरजेडी का कहना है कि खिलाड़ी सरकार कुर्सी का खेल खेल रही है और जनता को लाचार कर रही है, रोजगार नहीं दे रही है और चोरी से आई सरकार बिहार को बर्बाद कर रही है।
आरजेडी ने इस पोस्टर के जरिए जनता को नीतीश कुमार की खामियां दिखाने की कोशिश की है। इस पोस्टर में दिखाया गया है कि एक तरफ कुर्सी पर नीतीश बंधे हुए हैं और उनके पीछे डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हाथ में कमल थामे खड़े हैं और बिहार बर्बाद हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले आरजेडी की तरफ से एक और पोस्टर जारी किया गया था। उस पोस्टर के द्वारा बिहार सरकार को घेरने की कोशिश की गई। गठबंधन सरकार के सामने रोटी कहाँ है, न्याय कहाँ है, विकास कहाँ है, रोजगार कहाँ है, जैसे कई सवाल उठाए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 2019 के आखिरी महीने में जेडीयू की तरफ से पोस्टर बाजी का सिलसिला शुरू किया गया था। जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया था जिसमें 15 साल बनाम 15 साल लिखा गया था। पोस्टर में आरजेडी के 15 साल की तुलना नीतीश कुमार के 15 साल के काम से की गई थी और जेडीयू की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल के कामों पर सवाल उठाया गया था, जिसके बाद से आरजेडी लगातार पोस्टर के जरिए नीतीश सरकार को घेर रही है। ऐसे में अब नए पोस्टर पर जेडीयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखना होगा। अब आरजेडी पोस्टर जारी कर जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन क्या इससे वो खुद मजबूत हो पाएगी, ये देखना होगा। वहीं देखने लायक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तेवर भी हैं, जो वो लगातार केंद्र सरकार को दिखा रहे हैं। और अब तो उद्धव ने पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे पीएम मोदी का ये सपना अधूरा रह सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से 2022 तक बुलेट ट्रेन चलाने का वादा किया है, लेकिन एक बार फिर पीएम का वादा अधूरा रह सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां किसान जमीन कब्जाने के खिलाफ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम उद्धव ठाकरे भी पीएम मोदी का साथ देने को तैयार नहीं है, बल्कि वो तो इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान सीएम उद्धव ने कहा कि बुलेट ट्रेन हमारा नहीं किसी और का सपना है। बुलेट ट्रेन में राज्य सरकार का 25% हिस्सा है, जबकि केंद्र का 75% हिस्सा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने प्रोजेक्ट को चाहे जैसे भी पूरा करे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। सीएम उद्धव ठाकरे के तल्ख तेवर यहीं शांत नहीं हुए, उन्होंने सरकार की इस योजना को सफेद हाथी तक करार दे दिया। सीएम ठाकरे ने कहा कि हमारी सरकार बनने से पहले जो सरकार थी उसने कई ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी दी जो बाद में सफेद हाथी के रूप में सामने आई, उन्हीं में से एक बुलेट ट्रेन परियोजना है। लेकिन हमारी सरकार को इस सपने से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें महाराष्ट्र की जनता के विकास के लिए काम करना है। महाराष्ट्र से एक भी उद्योग बाहर नहीं जाएगा, हम यहाँ के लोगों को रोजगार का मौका देंगे। हमारी सरकार ने जो भी वादे किए हैं हम उसे पूरा करेंगे। अपने बयान में सीएम उद्धव ठाकरे ने जहाँ एक तरफ पीएम मोदी के सपने को तोड़ने का काम किया, तो दूसरी तरफ खुद को महाराष्ट्र की जनता का हितैषी भी बता दिया। अब देखना होगा कि उद्धव के इस रुख पर बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है। अब उद्धव ठाकरे के इस फैसले के बाद मोदी सरकार का सपना अधूरा रहेगा या पूरा होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए जाने वाला ट्रस्ट का काम अब भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, अयोध्या मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में सरकार से ट्रस्ट बनाने की बात कही थी। कोर्ट की दी गई मियाद पूरी होने वाली है, लेकिन अब तक ट्रस्ट का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि संतों की आपसी खींचतान ही सरकार की परेशानी बढ़ा रही है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जल्द शुरू होगा, इसका दावा तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक कई मंच से कर चुके हैं, लेकिन अब तक मंदिर के ट्रस्ट बनाने का काम भी पूरा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट निर्माण के लिए 3 महीनों का वक्त दिया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए हुए 3 महीने पूरे होने में महज चंद दिन बाकी हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा नहीं की है। राम मंदिर ट्रस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई मियाद 9 फरवरी को खत्म हो रही है, जिसमें महज 5 दिन बाकी हैं। यही ट्रस्ट अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के तौर तरीके तय करेगा। इसके बावजूद केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक ट्रस्ट के निर्माण का ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि ट्रस्ट में कौन शामिल होगा और कौन नहीं, इसे लेकर संतों में खींचतान लगातार जारी है, जो सरकार की परेशानी बढ़ा रही है। मगर अब जब वक्त काफी कम है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इसी हफ्ते में राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा कर सकती है। हालांकि केंद्र सरकार को पहले राम मंदिर ट्रस्ट के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में लाना होगा, जहां ट्रस्ट के संविधान का खाका और उसके सदस्यों की जानकारी जैसी अहम चीजें बतानी होंगी। इस ट्रस्ट में कौन कौन सदस्य होंगे, ये कैसे काम करेगा और राम मंदिर निर्माण कैसे होगा, ये सारी बातें कैबिनेट की बैठक में ही तय होंगी। वित्तीय शक्ति भी इसी ट्रस्ट के पास होंगी और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के खर्च की पूरी निगरानी ट्रस्ट करेगा। ऐसे में केंद्र सरकार इस ट्रस्ट के लिए संसद में बिल भी ला सकती है। आपको बता दें कि राम मंदिर के पक्ष में 9 नवंबर 2019 को
आए फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में मंदिर निर्माण के लिए नए ट्रस्ट गठन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंपी थी। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया था कि वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को नई मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में 5 एकड़ का प्लॉट दे। ऐसे में अब सभी की नजरें टिकी हैं केंद्र सरकार पर कि कब ट्रस्ट का ऐलान होगा और उसमें किसे शामिल किया जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी आयुष्मान भारत योजना की विफलता की। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कई योजनाएं शुरू की गईं, लेकिन सरकार की ज्यादातर स्कीमों का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पाया। यहां तक कि जिस योजना का ढिंढोरा पीएम से लेकर पूरी बीजेपी पीटती है, वो आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाई, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। मोदी सरकार योजनाएं तो बनाती है, लेकिन इनका लाभ लोगों को मिलेगा या नहीं, इस पर ध्यान नहीं देती, जिसके चलते कई योजनाएं तो कागजों पर ही सिमट गई हैं। और कुछ ऐसा ही हो रहा है आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम के साथ। ये योजना सितंबर 2018 में सरकार ने जब लागू की तो दावा किया था कि 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। करीब 50 करोड़ लोगों को बड़े अस्पतालों में इलाज कराने की सुविधा मिलेगी और इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इसके लिए सरकार की तरफ से 6400 करोड़ का बजट भी जारी किया गया था, लेकिन खर्च हुआ सिर्फ 3200 करोड़। उसमें भी कई फर्जी बिलों के भुगतान की खबरें सामने आई हैं। यानी ना तो ये योजना अपने लक्ष्य तक पहुंच पाई और ना ही उन लोगों तक इसका लाभ पहुंच पाया जिनके लिए इस योजना को लागू किया गया था। ये योजना भले ही सफल नहीं हुई हो, लेकिन 1 फरवरी को सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम के लिए केंद्रीय बजट में फिर से 6400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। योजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस बार भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना और दिल्ली ने अपने यहां इस योजना को लागू करने से मना कर दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में ये योजना लागू तो कर दी गई है, लेकिन इसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा है। इसमें से उत्तर प्रदेश और बीजेपी की सरकार और बिहार की सरकार में भी बीजेपी शामिल है, यानी बीजेपी शासित राज्यों में भी केंद्र की स्कीम सही तरह से लागू नहीं हो पा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर योजना का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मोदी सरकार की फ्लैगशिप योजना में शामिल आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम फेल हो गई है? तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।